हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube परिवार को माँ क्रिएटिव किचन गार्डन में। दोस्तों ये देख रहे हैं गुलाबांस। ये इस अब जो है थोड़े दिन बाद जैसी सर्दी आ जाएगी फ्रेंड्स, ये बिल्कुल डोरमेंसी में चला जाएगा। और ये फ्रेंड्स अगर एक बार गार्डन में आ जाता है तो फिर कभी छोड़ के नहीं जाएगा। तो फ्रेंड्स मैंने छोटी सी क्लिप को इसको दिखाया और ये हमारे पास गुलाब बांस जो है बहुत प्रकार के हैं, कई एक कलर में हैं फ्रेंड्स। तो मैंने दो ही कलर इसमें सूट कर पाई हूँ क्योंकि फ्रेंड्स अंधेरा हो रहा था, तो सोचा कि चलिए आप लोगों के साथ में इनको बारे में बताती हूँ। और जो है अगर गुलाब बांस के कहीं सीड्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स तो लेकर के रख लें और लगा दें फरवरी में लगा दें, तो बिल्डन मिट्टी में बहुत ऐसी डाल देंगे तो जंगल की तरीके फैलेगा फ्रेंड्स। और ये बहुत अच्छे अच्छे कलरों में आते हैं फ्रेंड्स और बहुत प्यारे लगते हैं। तो इनको ऐसे इसमें लगा रख लें सीड्स अगर मिले कहीं पर। और हाँ फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार आए हों मेरे चैनल में, विजिट कर रहे हों, तो मेरे चैनल अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें फ्रेंड्स, क्योंकि और भी दोस्तों तक जाना भी ज़रूरी है। क्योंकि जो बेचारे नहीं जानते हैं उनके बारे में, जो पैसे खर्च करके ले आते हैं फ्रेंड्स, मैं दूसरे की क्या कहूँ, मैं खुद ही है जितने भी गुलाब बांस हैं, मैंने पिंक वाला तो मैंने सीड से लिया है और मैंने सारे के सारे जितने भी हैं नर्सरी से मैंने लिए थे क्योंकि मुझे कहीं मिल नहीं रहे थे फ्रेंड्स। मेरे को पता है कि गुलाब बांस सीड से तैयार हो जाता है लेकिन ये मेरे को कहीं भी नहीं मिले। तो फ्रेंड्स ये जो है दूसरों को भी शेयर करें और बताएं फ्रेंड्स। मैंने कई एक पौधे लोगों को इनमें बांट दिए हैं और इस समय मेरे नीचे ग्राउंड फ्लोर में इतना जंगल की तरह फैल रहा है फ्रेंड्स कि बता नहीं सकते कि कितना फैल रहा है। लेकिन हाँ, जिस समय शाम को खिलता तो बहुत प्यारा लगता है। शाम को 4-5 बजे से खिलना शुरू होता धीरे धीरे करके और सुबह वही 8 बजे तक रहता फ्रेंड्स। फिर इसके बाद में पत्तियाँ फूल मुरझा जाते हैं, इनकी जितनी भी फ्लावरिंग होती सब मुरझा जाती फ्रेंड्स। और ये देखिए कितने प्यारे हैं। और फ्रेंड्स इसके बाद में मैं फिर दूसरी ओर ले चलती हूँ तो फ्रेंड्स वो भी डिवाइड करने वाले पौधे हैं कि आप डिवाइड कर सकते हैं और कहीं से अगर मिल जाते हैं तो उनको भी ला सकते हैं फ्रेंड्स। वो भी बहुत अच्छी वैरायटी है और बहुत देखने में खूबसूरत लगती है, हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारी लगती फ्रेंड्स। तो उसको भी ज़रूर शामिल करें। और हमारे पास वो भी बहुत ऐसी हैं कि बहुत उसमें मतलब प्रजाति की हैं, बहुत तरह से हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फॉक्सटेल है फ्रेंड्स। इसमें ज़्यादा पानी देने की आवश्यकता नहीं होगी फ्रेंड्स। और इस समय अगर प्लास्टिक के गमलों में पॉट में लगे हुए हैं तो ज़्यादा पानी ना दें। और ये बल्बस प्लांट है फ्रेंड्स, तो ये इनको हैंगिंग बास्केट में भी बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत अच्छे से चलते हैं। इनमें ज़्यादा कोई केयर की भी ज़रूरत नहीं होती है, ये लो मेंटेनेंस के हैं। और ये फ्रेंड्स बहुत तरह के ये ग्रास जो होती है बहुत तरह की होती है। तो हमारे पास 2-3 तरह की तो हमारे पास ही है फ्रेंड्स। और जो है ये देखिए, इनके जैसे ही लीव्स सूखते जाएँ तो इनको हटा दें। और ये देखने में इतनी प्यारी लगती है, मैंने जब से लगाया फ्रेंड्स आज तक मैंने कोई भी फर्टिलाइज़र इसमें नहीं डाला है। और फ्रेंड्स इतने प्यारे प्यारे लगते हैं ये, गाड़ियाँ निकल रही फ्रेंड्स तो उसकी लाइटें भी बहुत आ रही होंगी हैं। तो ये देखिए कितना, ये डिवाइड करके एक डंडी भी कहीं से अगर मिल जाती तो वो भी लगा सकते हैं। ये फ्रेंड्स जो है बहुत प्यारे लगते हैं। अब मैं दूसरी ओर ले चलती हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए नींबू कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत प्यारे नींबू लग रहे हैं फ्रेंड्स ये। और मैंने बहुत हार्वेस्ट किए, गुच्छों में नींबू हमारे यहाँ इसमें आते हैं। तो ये मोटे छिक्कल के हैं फ्रेंड्स, तो इनमें अचार के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो अचार इनका डालें तो बहुत हेल्दी और बहुत ज़्यादा दिन तक चलता है। ये कागजी नींबू नहीं है फ्रेंड्स, ये मोटी स्किन कम नींबू है ये। तो ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। और मेरे टेरिस पर लगे हैं फ्रेंड्स वो कागजी नींबू हैं, तो वो उसमें रस बहुत निकलता, रस इसमें भी निकलता फ्रेंड्स। बहुत बड़े बड़े नींबू ये हैं। Thank you.
ये फ्रेंड्स जो है इस अपडेट को दिखाने के बाद में फिर फ्रेंड्स मैंने सोचा कि चलिए कुछ अब दूसरी गार्डनिंग की तरफ चला जाए। तो इसके बाद में ये देखिए इनके सॉरी फूल हटाते रहें, ये फूल हटाते रहेंगे तो इनमें और भी एनर्जी मिलती रहेगी, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे गमले में ही होते हैं ये, तो गमले में उतनी एनर्जी मिलती जितना मिलना नहीं चाहिए, मतलब कम मिलती इनको एनर्जी। तो इनकी केयर गमलों वाले पौधों की बहुत केयर करनी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि मिट्टी में जो गमले हो जो मिट्टी जमीन में सॉरी लगे होते हैं उनकी बात ही कुछ अलग होती है। उनमें फ्रेंड्स नीचे से वो अपनी एनर्जी लेते रहते हैं, उनमें ज़्यादा खाद पानी और ज़्यादा गुड़ाई की ज़्यादा कोई मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती फ्रेंड्स। तो आप लोग कमेंट्स करें, बताएं कि कैसा ये हमारा है, और आप लोग भी अपने अपने घरों में फ्री में ऐड करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।